हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने फॉर्मूलाज देखे थे कि हर एक अलग डायग्राम की कैसे आप सरफेस एरिया TSA, CSA, LSA, लेटरल सर्फेस एरिया और वॉल्यूम का केस आपने देखा था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं सर्फेस एरिया के रिलेटेड सबसे पहला टॉपिक, जो है इसके लिए आपके 10th स्टैंडर्ड में से इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखिए इसे क्या करना है। तो आज हम सीखेंगे द सर्फेस एरिया ऑफ द कंबाइंड शेप और कंबाइंड सॉलिड्स। अब कंबाइंड सॉलिड्स का मतलब कि सरफेस एरिया में आपको दो अलग अलग डायग्राम को मर्ज किया जाएगा, मतलब कि कौन ले लिया, हेमिस्फीयर ले लिया, सिलेंडर लिया, कौन ले लिया, हेमिस्फीयर लिया, सिलेंडर ले लिया, तो इस टाइप के केस आपको मिलेंगे, उनका आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करके देना है मुझे। कैसे, तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि देखिए मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है मेरे पास। अब ये टैंक को देखने जाता है कि कैसा दिख रहा है कि देखो इसमें मैं इसका सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा। तो अगर मैं देखो कि यहां से कट मार दूं ऐसे और यहां से कट मार लूं, तो देखो अब ये जो पार्ट है वो आ गया, हो गया आपका सिलेंडर, ये पार्ट है आपका हेमिस्फीयर हो गया, और ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। मतलब कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि दैट दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर विद द टू हेमिस्फीयरिकल स्ट्रक्स एट द आइदर एंड्स, मतलब हेमिस्फीयर एंड साइड पे स्टक कर दिए गए। चलो ये बना कैसे, तो देखो दिखा रहा हूं कैसे डायग्राम होगा। मेरे पास एक सिलेंडर है और दोनों तरफ मैंने ले लिया दो हेमिस्फीयर। जो डैश लाइन है उसे मैं ज्वाइन कर दूंगा नेक्स्ट साइड के साथ। तो नीचे से मैंने एक लाइन को ज्वाइन कर दिया, देखो इसे मैंने यहां पे ज्वाइन कर दिया, इसे मैंने यहां पे लगा दिया और इसे मैंने यहां पे लगा दिया। तो ये ज्वाइन होने के बाद कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो देखो क्या होगा कि सिलेंडर का हेमिस्फीयर का जो बेस था वो तो गायब हो गया, देखिए यहां से भी सिलेंडर का बेस क्या हो गया, बाज हो गया, इसका बेस भी गायब हो गया और इसके पीछे वाला बेस भी क्या हो गया, गायब। तो यहां बच गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पे बच गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर और यहां पे बच गया CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मतलब अगर मुझे इस पूरे सॉलिड का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा कि दैट TSA ऑफ अ न्यू सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ अनदर हेमिस्फीयर, या तो यू कैन से टू टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे याद रखते हो और किस तरीके से आप इसे सॉल्व करना चाहते हो। तो आई होप आपका आइडिया जाएगा कि हमें इसके यहाँ क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम्पल से। फर्स्ट हम लेंगे हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर वन। चलो एग्जाम्पल नंबर वन में मुझे अगर आ गया दैट रशीद गॉट प्लेइंग टॉप और कॉल लट्टू एज इज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly had no color on it. He want to color it with the his crayons. The top is a shape of a like a cone surmounted by a hemisphere. Given in the figure mein gaya hai, hum aap dekhenge iske liye kya karna hai. So then entire top is 5 cm high and the next is the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area of he has to be colored like pi as equals to 22/7. देखिए इस तरीके से डायग्राम में आपको बता रहा हूं, आपको गिवन है कोन, उसके ऊपर माउंट किया है सिलेंडर और इसके लिए आपको डायमीटर है 3.5 और हाइट गिवन है। चलो मुझे तो सबसे पहले क्या कोन का डायमीटर, अब देखो दोनों सेम एज पे कनेक्टेड है तो कोन का डायमीटर और इसका डायमीटर रेडियस क्या होगा सेम। तो अगर मुझे आर निकालना है इस केस में तो आर को मैं लिख सकता हूं 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और आई कैन से इतिस, देखो 3.5 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ इसको, या तो मुझे जैसे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 35 बाई 20 और अगर उससे स्मॉल लिखना है तो आई कैन से इट इज 7 बाई 4। तो मैं जिस तरीके से लिखना चाहूँ वैसे लिख सकता हूँ, बाद में जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर मुझे चाहिए कोन की हाइट तो कोन की हाइट क्या होगी, इट इज 5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, सो 5 टू 10 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, so it is 6.5 divided by 2, so you can say it is 3.25. so यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ कि that height of the cone will be 3.25। चलो मुझे चाहिए क्या, slant height, क्योंकि जब तक slant height होगी तब तक आप cone का curved surface area निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले अब मैं calculate करूँगा that slant height of the cone, तो slant height of the cone आप लिख सकते हैं under root r square plus h square। चलो वैल्यू पुट करेंगे, सो आर स्क्वायर होगा मेरे पास 3.5 by 2 whole square और ये क्या होगा मेरे पास 3.25 by whole square। चलो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं यहाँ पे रूट कैसे निकालूंगा। रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया था वैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, मैंने बताया था यहाँ पे कि आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो आर यू विल गेट 7/5 स्मॉल आर। अगर मुझे एच चाहिए तो एच मैंने बताया था इट इज 7/4 था, तो 5 माइनस 7/4 इट इज विल बी 20, सो इट इज 13/4।
चलो अगर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा देखिए, अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 13 स्क्वायर होगा 169 और होल का एलसीएम क्या होगा 16। चलो 49 प्लस 69 करेंगे 169, तो अभी 998, 4 प्लस 610, 111, 218। चलो 218 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, नाइन्थ में आपने मेथड सीखी होगी ये कि पहले दो दो की पेयर बनाओ फिर सिंगल की पेयर बनाओ। चलो 2 से नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है मेरे पास, 1, तो आई विल टेक 1 इनटू 1, तो यहां पे आएगा 1, सबट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 118। चलो दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहां पे, तो वी विल ऐड 2, सो 2 का नियरेस्ट नंबर जो इसका आंसर 118 दे सके, तो 2 टाइम्स दैट इज 24, 4 इज 96, सो आई विल गेट इट इज 22, अगेन डबल जीरो लूंगा। अब 25 प्लस 4 ऐड करूंगा तो आई विल गेट 28, तो लास्ट में मैं ले सकता हूं ऐसा नंबर कि 288 डिवाइड इनटू 8 करेंगे तो आई विल गेट 288 मतलब हमारे पास होगा 1664 और लास्ट में हो जाएगा, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास नंबर आ जाएगा, तो आई कैन से इट इज 2014.8 अप्रोक्सीमेटली जैसा, तो 14.8 मैं अप्रोक्सीमेटली लेता हूं, तो मुझे 14.8 डिवाइड बाय 4 भी करना है अभी, तो 16 है मेरे पास देखिए, सो आई विल गेट 14.8 डिवाइडेड बाय 4। चलो 14.8 डिवाइडेड बाय 4 करता हूं तो मुझे मिलेगा 4 3 इज 12, यहां पे बजेगा 2, तो इट इज 7, सो अप्रोक्सीमेटली आंसर अगर मुझे लिखना है सो आई विल गेट इट इज 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से मैं ये पूरा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 3.7। चलिए मुझे तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पे क्या आएगा दैट सीएसए ऑफ कोन कैन बी रिटन एज पाई आर एल, इट कैन बी रिटन एज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.7। चलो अब मुझे आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो क्या होगा, तो वहां पे अब देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो यहां पे देखो आई विल से दैट इट इज सिंप्लीफाई करके देखो अगर, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसके लिए अप्रोक्सीमेटली टीएसए ऑफ द टॉय कैन बी रिटन एज सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, सो आई विल गेट 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.7। चलो मल्टीप्लाई करने से पहले देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, अगर आप यहां से एक 2 कॉमन कर दो कैंसिल, तो 22/7 इधर पे भी है 3.5/2 इधर भी है, तो पूरा कॉमन निकाल लो, सो नाउ आपको क्या मिलेगा 22/7 इंटू 3.5/2 और माइनस इंटू ब्रैकेट 3.5 इंटू 3.7। चलो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा यहां पे, यहां से ये 2 कैंसिल कर दो सो यू विल गेट 11, 7 5 इज 35 सो यू विल गेट 11 इंटू 1/2 और ऐड करेंगे तो 3.5 प्लस 3.7 7 प्लस 5 12 तो यू विल गेट 72 बाई 10 सिंप्लीफाई करने पे, तो यू विल गेट इट इज 36 सो आई टू 36 इंटू 11 दैट विल बी 396 डिवाइडेड बाई 10 सो माई फाइनल आंसर विल बी 11/2 इंटू आई विल से 3.5 इंटू 3/7 सो दैट फॉर माई आंसर विल बी इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.96 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से मैं ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूँ देखिए और मुझे मेरा आंसर देखने को मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे और किस तरीके से करते हैं, आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में बोला गया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज अ मेड ऑफ अ 2 सॉलिड्स अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद द एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर हैज फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज द डायमीटर 4.2। Then calculate, find the total surface area of the block and take pi is equals to, you have to take 22/7। चलिए मुझे कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखे दिया गया है, देखो मैं बता रहा हूँ डायग्राम ऐसा है। चलो मुझे क्या क्या कौन कौन सा एरिया चाहिए, पहले तो देखिए ये हेमिस्फीयर का नहीं बट ये वाला एरिया तो मुझे रिक्वायर्ड है, ये मतलब ये ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा एक स्क्वायर है उसके ऊपर इस तरीके से एक हेमिस्फीयर रखा होगा, तो मुझे ये सारा एरिया चाहिए बट ये ऊपर वाला नहीं चाहिए और ये सारा एरिया, ये एरिया तो चाहिए, अब ये वाला एरिया कैसे निकालूं, तो मैं क्या करूंगा
टी ए से ले लूंगा क्यूब का, उसमें से माइनस कर दूंगा, ये क्या है हेमिस्फीयर का बेस, तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दूंगा, और प्लस क्या कर दूंगा, मुझे ऊपर का तो एरिया चाहिए ही चाहिए, प्लस सी ए से ऑफ क्या कर दूंगा हेमिस्फीयर, तो मुझे डायरेक्टली मिल सकता है। तो वी कैन से हियर कि दैट सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज कैन बी रिटन एज टी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, टी ए से ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। चलो वैल्यू पुट करेंगे, सो यू विल गेट 6 × 5 × 5, 6 × साइड स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, चलो 6 × 5 × 5 हो जाएगा आपके लिए 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करेंगे, सो आई विल गेट इट इज 150 × 22/7 × 4.2 / 4.2। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए क्या होगा देखो कैलकुलेशन, तो 7 × 6 = 42, पर ये 0.6 होगा, 0.6 करूंगा तो ये हो जाएगा 0.3, और ये 2 कैंसिल, और ये 2 कैंसिल करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 11। सो आई हैव टू डू 42 × 3 सबसे पहले, तो 3 × 2 = 6 = 126, इंटू अगेन आई हैव टू डू 11, सो आई विल गेट 13986, और 1386 को मुझे क्या करना होगा डेसिमल, तो 13.86, सो देयरफॉर माय आंसर विल बी 5150 प्लस 13.86, सो एडिशन विल बी 163. तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, इट इज 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे देख सकता हूं कि ये मेरा आंसर इजीली कैलकुलेट होके आ सकता है, इसमें ज्यादा कोई बड़ा कैलकुलेशन हुआ नहीं, बस देखो सिंप्लीफाई क्या कर रहे हो उसके बाद ही कैलकुलेशन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना रहेगा। तो आई होप का आइडिया आ जाएगा कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है, दैट अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन अ शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। चलो फिगर में बोला गया कि एक रॉकेट है जिसपे सिलेंडर को ऊपर एक कोन को माउंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, दैट द रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर हाइट, एंटायर हाइट ऑफ द रॉकेट, वाइड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट पोर्शन हैज अ डायामीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, वाइल द बेस डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। If the conical part portion is to be colored, painted orange and the cylindrical part portion in yellow, find the areas of the rocket painted with the each of the these colors. Take pi equals to 3.14. चलो देखो मेरे पास रॉकेट गिवन है, this is the conical part, इसकी हाइट मुझे 6 गिवन है और डायमीटर गिवन है इसके लिए, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ डायमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डायमीटर कौन का बड़ा है तो यहाँ जो शेप है ना वो इस तरीके से मिलेगा, नीचे का बेस आपको इस तरीके से दिखेगा। सो डायमीटर गिवन है 5 कोन के लिए और सिलेंडर के लिए आपको गिवन है इट इज 3। चलो तो अगर मुझे कोन को पेंट करना है, अगर मुझे कोन को पेंट करना होगा तो कोन को पेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं सीएसए को पेंट करूंगा प्लस मैं नीचे की तरफ बस इतने पार्ट को पेंट करूंगा, देखो ये वाले पार्ट को, तो मुझे इतना एरिया भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 सिलेंडर और 2 रेडियस है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले अज्यूम करूंगा कि दे डिनोट दैट द रेडियस ऑफ द कोन बाय आर, देन स्लांट हाइट ऑफ कोन विल बी आई एल, देन हाइट ऑफ द कोन शुड बी स्मॉल एच। अब सिलेंडर भी है तो लेट अज्यूम कि सिलेंडर के लिए मैं रेडियस ले लूंगा आर डैश, या आप कैपिटल आर भी लेना चाहो तो ले सकते हो, और हाइट मैं अज्यूम कर लूंगा दैट हाइट इज अगेन इट इज अ एच डैश। चलो तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सी एस एफ कोन, सी एस एफ कोन के लिए मुझे वापस क्या चाहिए होगी, स्लांट हाइट चाहिए होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे स्लांट हाइट। चलो स्लांट हाइट क्या होगी, तो सबसे पहले वैल्यू लिख देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर, एच क्या है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। चलो कोन का हाइट कैसे मिलेगा, कोन का हाइट मेरे पास है 6, तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा 26 - 6, मतलब ये हाइट कितनी मिलेगी आपको 20 मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर डैश इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या होगी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो ये हो गया मेरे पास, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट कि एच डी एस इक्वल टू हो जाएगा 26 - 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले मुझे चाहिए स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट एल इक्वल टू रिटन बेस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज अंडर रूट ऑफ 2.5 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। चलो इसे स्क्वायर करने के लिए क्या करूंगा, 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10, और आई कैन से इट इज 5/2 होल स्क्वायर प्लस 36, सो आई विल गेट 25/4 प्लस 36 फोर 144 होगा, और 144 प्लस 155 हो जाएगा 129/4, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13/2, और यू कैन से इट इज 6.5, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इट इज 6.5 सेंटीमीटर।
चलिए मुझे अलग अलग एरिया निकलना है तो मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखिए अलग अलग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला एरिया है द एरिया इज टू बी पेंटेड इन द ऑरेंज पार्ट, तो वो क्या होगा, मैंने बताया था इट इज सी एस ऑफ कोन होगा, फिर बेस ऑफ एरिया ऑफ कोन लूंगा, पर उसमें से मुझे सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बेस ऑफ सिलेंडर माइनस कर दूंगा। ऐसा था ना मैंने बताया वैसे कि आपको क्या मिला था, एक ऐसा पार्ट था और अंदर पार्ट था, मुझे यहाँ कलर करना है तो वो था कोन का बेस और ये पार्ट क्या था सिलेंडर का बेस, तो वो पार्ट मुझे कलर नहीं करना था तो मैंने उतना क्या कर दिया इसमें से माइनस। चलो वैल्यू क्या मिलेगी, तो मैंने बताया था इट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर डैश स्क्वायर। पाई कॉमन निकाल सकता हूँ, पाई कॉमन निकालूंगा तो आई विल गेट आर की वैल्यू क्या थी 2.5, एल था मेरे पास 6.5, ये था 2.5 होल स्क्वायर और ये था 1.5 होल स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन बताता हूँ इसके लिए क्या करना है, बाकी सेकंड वाला तो आप देख सकते हो, मुझे करना है पहले 65 इंटू 25 करना है मुझे, तो सबसे पहले चलो 65 इंटू 25 क्या होगा 0, 5 टू जार 10, 1 कैरी फॉर, 6 टू जार 12 एंड 13 हो जाएगा, फिर 5 फाइव जार 25, 2 कैरी फॉर, 6 फाइव जार 30 और ये क्या हो जाएगा 32, सो आई विल गेट 16.25, तो ये होगा 2.5 का उसको होगा 6.25 प्लस करेंगे तो आई विल गेट 22.5 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22.5, मतलब मेरे पास आ जाएगा इट इज पाई इंटू 20.25, जिसे मैं लिख सकता हूँ पाई की वैल्यू लिखना है तो आई विल से 3.14 इंटू 22.25। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सो मुझे करना है 20.25 इंटू 314, बाद में चार डेसिमल प्लेस निकालने पड़ेंगे, चलो पहले दो जीरो लगा दो, 5 थ्री 15, 1 करीब फॉरवर्ड, 3 टू 6 एंड 7 यहाँ पे 0 और 3 टू 6। चलो नेक्स्ट 1 से करेंगे तो 1 0, फिर 5 2 0 2 एज इट इज, फिर 4 से करेंगे तो 5 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 4 8 9 10, 1 कैरी फॉरवर्ड तो इट इज 1 एंड 4 2 8। चलो ऐड करेंगे तो 0 5 7 तो 8 हो गया, 7 प्लस 8 15 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 3 हो जाएगा, तो 63.5850 मुझे कितने डेसिमल चाहिए 4, सो देयरफॉर मेरा आंसर होगा इट इज 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं ये सारा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकता हूँ, एकदम इजी तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे अलग से भी निकालना है कि दैट एरिया टू बी पेंटेड इन द येलो, तो वो क्या हो जाएगा सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगा। चलिए तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे सिंप्लीफाई करना है ताकि मेरा आंसर आ जाए, तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रखेंगे सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच आर डैश एच डैश प्लस पाई आर डैश होल स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा पाई आर डैश, तो पाई आर डैश कॉमन निकला तो आई विल गेट 2 एच डैश प्लस आर डैश, पाई की वैल्यू रखेंगे एज इट इज, तो 3.14 इंटू 1.5 देन 2 इंटू 20 प्लस 1.5 सेंटीमीटर, सो यू विल गेट 3.14, अगर आप 3.14 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4.71 एंड ऐड ओके ये हो जाएगा 41.5। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, मैंने बताया वैसे एकदम इजी तरीका है इसे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे सो योर आंसर विल बी 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द एरिया हैज टू बी प्रिंटेड इन अ येलो कलर। तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है पर आप ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे आज के लिए लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। चलो उसके लिए देखो क्या करना है, सो मेरे पास है एग्जांपल नंबर 4, उसमें बोला गया था मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, सी द फिगर, फिगर मैं बता रहा हूं कैसे होगा, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है पाई की लेंथ 22/7, चलो यहाँ पे देखो बर्ड बाथ गिवन है 30 सेंटीमीटर है और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे लीजिए कि लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर एंड आर इज द कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड द हेमिस्फियर। सो द फॉर्मूला क्या होगा बर्ड बाथ का, सो देयरफॉर टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, अगर आप हाइट ले रहे हो 1.45 मीटर तो रेडियस होगा 0.3 मीटर, इतना याद रखना, वरना क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो तो वैल्यू रख देते हैं, सो आई विल गेट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर, सो आई विल गेट एच प्लस आर, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, सो आई विल गेट इट इज 2 पाई 2 इंटू 22/7, एच की वैल्यू मैंने बताया था 330 इंटू 145 प्लस 30। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 145 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसे 145 में सेंटीमीटर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो क्या होगा मेरे पास होगा 2
इंटू 22 इंटू 30, चलो ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 175 डिवाइडेड बाई 7, चलो 7 से कैंसिल करूंगा तो 7 टू ज़ा 14, 35 तो 7 फाइव ज़ा 35, तो आपको करना है 22 इंटू 2 इंटू 45, 25 इंटू 30, चलो 22 टू ज़ा 44 होगा, 44 इंटू 25 करना है तो 25 इंटू 4 कितना होगा मेरे पास 100, सो आई विल गेट 11 इंटू 100 इंटू 30, सो ये होगा 330 और दो जीरो अगर लगेंगे सो आई विल गेट इट इज 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, इट इज 3.3 मीटर स्क्वायर। कैसे करूंगा, तो मैंने कहा था 100 वन टाइम और 100 टू टाइम डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को कैंसिल करने पे आपको क्या मिलेगा, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हम इसमें कैसे प्रोसीड करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।